जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है 26 जून 2020 के दिन और एप्लीकेबल हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 से। इस नोटिफिकेशन में कई सारी चीजों को नोटिफाई किया गया है, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी, टर्नओवर का कैलकुलेशन किस तरह से करना है, उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइज का वो किस तरह से होगा, इसके अलावा जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी है वो कहां से लिंक होगा, उसके बाद में एग्जिस्टिंग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखा है उनका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहेगा और उनको आगे क्या प्रोसेस करना है, ये सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको एमएसएमई का क्लासिफिकेशन समझा देता हूं, उसके बाद में नोटिफिकेशन दिखा दूंगा और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन तीन चीजों में होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अब ये कैटेगरी में आने के लिए दो कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड और इक्विपमेंट इन रुपीज और सेम चीज टर्नओवर इन रुपीज। तो ये दोनों कंडीशन, ये वाली और ये वाली, एट द सेम टाइम फुलफिल करनी है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है या जो लिमिट है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या ज्यादा टर्नओवर हो जाता है तो वो अगली कैटेगरी में अपने आप फॉल हो जाएगा। सबसे पहले माइक्रो का जो क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट और डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी एंड और इक्विपमेंट में। और साथ ही में दूसरी कंडीशन है टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल हो रही है तो माइक्रो में क्लासिफिकेशन होगा। अगर यहां पर 1 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हो गया और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है फिर भी ये कैटेगरी में नहीं रहेगा और नेक्स्ट कैटेगरी में वो आ जाएगा। सेम चीज यहां पर अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और यहां पर 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर। अब इसमें प्लांट एंड जो मशीनरी है उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, टर्नओवर में कौन सी चीज इंक्लूड होगी कौन सी नहीं होगी वो हम आगे जो नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे वहां देख लेंगे। अगला है स्मॉल। ये कैटेगरी में क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक का है तो और साथ ही में टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है तो वो स्मॉल की कैटेगरी में आएगा। अगला है मीडियम, मीडियम एंटरप्राइज। यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज, मतलब 50 करोड़ रुपीज तक का ही है एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ रुपीज, यानी कि 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं हो रहा है, यानी कि 250 करोड़ रुपए तक का ही टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है तो मीडियम की कैटेगरी में आएगा और उसमें उसका क्लासिफिकेशन होगा। अब नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा क्लासिफिकेशन, यहां पे इस तरह से लिखा था, मैंने आपको टेबल में समझा दिया है। अगला है बिकमिंग अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखे। ओके, any person who intends to establish a micro, small or medium enterprise may file उद्यम registration online in उद्यम registration portal। जैसा उद्योग आधार होता था अब उसकी जगह पे रहेगा उद्यम registration online in उद्यम registration portal based on self declaration with no requirement to upload document, paper or certificate or proof। तो सेम चीज उद्योग आधार में भी इस तरह सा जो document upload करने नहीं होते थे, self declaration था, तो सेम चीज यहां पर भी रहेगा। ऑन रजिस्ट्रेशन एंटरप्राइज रिफर्ड एज अ उद्यम, तो उद्योग आधार की जगह पे अब रहेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड ई सर्टिफिकेट नेमली उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो एक सर्टिफिकेट आ जाएगा उसका नाम रहेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगला है कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो जैसा मैंने आगे की स्लाइड में डिस्कस किया वैसे कि दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल करनी है। जैसे कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर शेल अप्लाई फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज एज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अगला है इफ एन एंटरप्राइज क्रॉसिस द सीलिंग लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इट्स प्रेजेंट कैटेगरी इन आइदर ऑफ द टू
क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट और टर्न और इट विल सीज टू एग्जिस्ट इन द कैटेगरी एंड बी प्लेस इन द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर एक रुपया भी कोई भी कंडीशन में आगे बढ़ जाता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो या टर्न ओवर में हो, तो अगली कैटेगरी में चला जाएगा। अगला है, ऑल यूनिट्स विथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिस्टेड अगेंस्ट द सेम पान शैल बी कलेक्टिवली ट्रीटेड एज अ वन एंटरप्राइज एंड द टर्न ओवर एंड इन्वेस्टमेंट फिगर फॉर ऑल सच एंटरप्राइज शैल बी सीन टूगेदर एंड ओनली द एग्रीगेट वैल्यूज विल बी कंसिडर फॉर डिसाइडिंग द कैटेगरी एज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अब सपोज करो कोई पर्सन है जिसका बिजनेस एक जगह पे या तो एक सिटी में है, और सपोज कर लो सूरत में है, और उसका कोई जो ब्रांच है वो है मुंबई में, तो उसको दो रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़े होंगे जीएसटी के। तो उस केस में क्या रहेगा, पान नंबर तो सेम रहेगा लेकिन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दो हो गए। तो उस केस में क्या होगा, सारे जीएसटी का टर्नओवर मिला के उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, वो टर्नओवर के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो अगर एक पान नंबर है और उसके बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसा कि हम जानते हैं जीएसटी के लिए आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं अगर आपका बिजनेस हर एक अलग अलग स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में है, तो सबको एक माना जाएगा। अगला है कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। तो यहां पर जो प्लांट एंड मशीनरी का जो डेफिनेशन है या उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसका कैलकुलेशन किस तरह से रहेगा, द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट विल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर फाइल्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपने जो आईटीआर फाइल किया होगा आपका, उसके साथ में लिंक होगा। अब आपने 15% का जो डेप्रिसिएशन का रेट है उसमें प्लांट एंड मशीनरी में जितनी भी आइटम डाली होगी वो इसके साथ में लिंक हो जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। अब सपोज करो कोई ऐसा पर्सन है जिसने आईटीआर फाइल ही नहीं किया, उसका कैसे रहेगा। तो इन केस ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज वेयर नो प्रायर आईटीआर इज अवेलेबल, इन्वेस्टमेंट विल बी बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रमोटर ऑफ द एंटरप्राइज एंड सच रिलैक्सेशन शैल एंड आफ्टर द 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट फाइल्स इट्स फर्स्ट आईटीआर। तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर, पिछले साल उसका आईटीआर नहीं है बट नेक्स्ट ईयर तो आईटीआर आ ही जाएगा। तो जब आईटीआर आ जाएगा तो उसके साथ में लिंक कर दिया जाएगा, यानी कि 31st मार्च तक वो उसकी वैलिडिटी या जो रिलैक्सेशन है वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। अगला है द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू द प्लांट एंड मशीनरी इन द इनकम टैक्स रूल्स 1962 फ्रेम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड शैल इंक्लूड ऑल टेंजिबल असेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन के साथ में मैच होगा। इन शॉर्ट 15% का जो डेप्रिसिएशन का रेट है उसमें आपने जितनी भी चीजें दिखाई होगी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में वो सारी की सारी यहां पर आ जाएगी। अगला है द परचेज इनवॉइस वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट वेदर परचेज फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ऑब्वियस बात है जीएसटी की रेट लेते हैं इसलिए उसको एक्सक्लूडिंग रहेगा। ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस इफ द एंटरप्राइज इज अ न्यू वन विदाउट एनी आईटीआर, तो जिनका आईटीआर फाइल नहीं है उनके लिए। अब कैलकुलेशन ऑफ अ टर्नओवर, टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ एनी एंटरप्राइज वेदर माइक्रो स्मॉल मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने जो लिमिट बताई थी एक करोड़ की टर्नओवर की जो भी लिमिट थी, वो लिमिट में अगर आपने कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इंडिया में जितना आपने जो सेल किया होगा या आपने सर्विस दी होगी वही टर्नओवर की लिमिट में आएगा। अगला है इंफॉर्मेशन इज रिगार्ड टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट, टर्नओवर फॉर एंटरप्राइज शैल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स एक्ट और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड जीएसटीएन। तो एक्सपोर्ट जो किया है आपने वो कैसा पता चलेगा, तो आपने जो इनकम टैक्स में दिखाया होगा कि इतना मेरा पोर्शन जो इंडिजीनियस सेल है इतना एक्सपोर्ट है, या तो आपने जीएसटी में दिखाया होगा इतना एक्सपोर्ट है उसके साथ में लिंक होगा और उतना जो टोटल टर्नओवर होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। अगला है द टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइज विच डू नॉट हैव पान विल बी कंसिडर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो सीधी बात है जिसका पान नहीं है वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कर पाएगा फॉर अ पीरियड अप टू 31st मार्च 21।
एंड देर आफ्टर पान एंड जीएसटी शैल बी मैंडेटरी। तो 31 मार्च 2021 तक ये जो टर्नओवर है वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे रहेगा, और उसके बाद में पान यानी कि आपका आईटीआर और जीएसटीएन के जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा, और उसके साथ में आपको लिंक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, अगर आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको जीएसटीएन जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप रहेगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रजिस्टर होंगे और गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू बढ़ेगी, और साथ ही में जो टैक्स कंसल्टेंट है या चार्टर अकाउंटेंट्स है उनकी भी रेवेन्यू बढ़ेगी। अगला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है? द फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी प्रोवाइडेड इन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जैसे उद्योग आधार है वैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल रहेगा। देयर विल बी नो फीस फॉर फाइलिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रोफेशनल फीस रहेगी जो आपको सर्विस दे रहा है रजिस्ट्रेशन की उसकी फी रहेगी, गवर्नमेंट की कोई फी नहीं रहेगी। आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, जैसे कि उद्योग आधार में होता है वैसा उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार नंबर लगेगा। प्रोप्राइटर अगर कोई है तो प्रोप्राइटर का पान नंबर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का पान नंबर, और अगर HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो कर्ता का पान नंबर देना रहेगा। इन केस ऑफ कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी और ट्रस्ट, द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स ऑथराइज्ड सिग्नेटरी शैल प्रोवाइड इट्स GSTN एंड पान अलोंग विद इट्स आधार नंबर। सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी रहेगा वो पान और जीएसटी नंबर और अपना पर्सनल आधार नंबर देगा। पान जो रहेगा वो कंपनी और LLP का रहेगा, आधार नंबर पर्सनल व्यक्ति का रहेगा क्योंकि कंपनी और LLP का आधार नंबर नहीं होता है। GSTN भी सेम कंपनी और LLP या तो जो भी एंटिटी यहाँ पे लिखी है उनका रहेगा। अगला इन केस एन एंटरप्राइज इज ड्यूली रजिस्टर्ड एज अ उद्यम विद पान एंड एनी डेज डेफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर्स व्हेन इट डिड नॉट हैव पान शैल बी फाइल्ड अप ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। अगर पान नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे चीजों को प्रोवाइड करना है जो हमने आगे डिस्कस कर लिया है। नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो सभी को एक ही मिलेगा रजिस्ट्रेशन, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। Provided that any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one उद्यम registration. तो obviously suppose करो कोई person है multiple business कर रहा है तो एक registration में option दिया जाएगा, आप दो तीन चीजों को या multiple चीजों को add कर सको। अगला है whoever intentionally or misrepresent or attempt to suppress the self declaration fact, यानी कि आपने कोई चीज जानबूझ के या intentionally गलत दी तो वो under section 27 of the act liable रहेगा penalty के लिए। Registration of existing enterprise जिनका already registration है उनका क्या होगा? All existing enterprise registered under EM part 2 जो पहले आता था और उसके बाद में आया UAM यानी कि उद्योग आधार memorandum shall register again on the उद्यम registration portal on or after 1st day of the July 2020। तो जिन्होंने already register किया उनको 1st July 2020 से फिर से उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसके बाद ऑल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड टिल 30th जून शैल बी रिक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद दिस नोटिफिकेशन। तो आपने अर्लियर जो नोटिफिकेशन है आपका उद्योग आधार का, उसमें जो आपका क्लासिफिकेशन होगा उसकी जगह पे अभी की जो कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की उसके हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन जो है वो रिक्लासिफाई हो जाएगा। अगला है द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज रजिस्टर प्रायर टू 30th June 2020 शेल कंटिन्यू टू बी वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड अप टू 31st day of March 2020। तो आपका जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्योग आधार जो है वो 31st मार्च 2020 तक वैलिड रहेगा, उसके बाद में आपको कंपलसरी इसमें आना रहेगा। 1st जुलाई से तो आना ही आना है, लेकिन अगर जो पुराने में चल रहा है तो उसकी वैलिडिटी 31st मार्च 2020 है, उसके बाद में कंपलसरी यहाँ पर ट्रांसफर होना रहेगा। अगला एन एंटरप्राइज रजिस्टर्ड विथ एनी अदर रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई शेल रजिस्टर इटसेल्फ अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो उद्योग आधार अलावा भी अगर कोई स्टेट ने एमएसएमई की कोई स्कीम निकाली और वहां पर रजिस्टर है तो उसको कंपलसरी उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। अब अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन। तो एन एंटरप्राइज हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर shall update his information online on उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ आई टी आर
जीएसटी रिटर्न ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड सच एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो आपका जो पोर्टल रहेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का, वहां पे आईटीआर और जीएसटी की जो डिटेल है वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस आपको अपडेट करनी रहेगी। फिर फेलर टू अपडेट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद इन पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल रेंडर द एंटरप्राइज लायबल फॉर सस्पेंशन ऑफ इट्स स्टेटस। अगर जो डिटेल मंगवाई है और आपने वो जो स्पेसिफाइड पीरियड रहेगा कि भाई 15 दिन 20 दिन 25 दिन में अगर आप वो नहीं देते हो, आप रजिस्ट्रेशन करोगे वहां पे आपको डेज दिए जाएंगे, तो आपका जो स्टेटस होगा एमएसएमई का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डिटेल को टाइम टू टाइम अपडेट कर देना रहेगा। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फर्निश और गैदर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्स इंक्लूडिंग आईटीआर जीएसटी रिटर्न क्लासिफिकेशन एंटरप्राइज विल बी अपडेटेड। आपने जो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे दिया रहेगा वो, उसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो अपने आप गवर्नमेंट के पास से आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में आपने जो चीजें दिखाई है उसके हिसाब से अपने आप अपडेट भी कर लेगा। अगला है इन केस ऑफ ग्रेजुअल फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी और रिवर्सल फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइज अ कम्युनिकेशन विल बी सेंट टू एंटरप्राइज अबाउट द चेंज इन द स्टेटस। तो सपोज करो कोई माइक्रो में से मीडियम में जा रहा है या मीडियम में से कोई माइक्रो में क्लासिफाई हो रहा है, तो उनको कम्युनिकेट किया जाएगा आपका स्टेटस अभी चेंज हो गया ऐसा करके। अगला है इन केस ऑफ अपवर्ड चेंज, जैसे माइक्रो में से कोई मीडियम में चला गया तो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और टर्नओवर और बोथ एंड सब्सिक्वेंट रिक्लासिफिकेशन एंटरप्राइज विल मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस टिल एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो अगर अपवर्ड मूवमेंट हुआ है तो आपका जो प्रिवेलिंग जो स्टेटस है वो एक साल तक फ्रॉम द क्लोज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो जब से आपने रजिस्ट्रेशन क्लोज किया है वहां से लेकर और एक साल तक आपका ये जो पुराना स्टेटस रहेगा वो आपको मेंटेन रहेगा। उसके बाद में इनकेस ऑफ रिवर्स ग्रेजुएशन, जिसका जैसे माइक्रो में से सॉरी मीडियम में से कोई माइक्रो में आ गया तो क्या रहेगा, यहां पर देखिए फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं की थी, यहां पे सिर्फ वन ईयर का है, तो कहां से कैलकुलेट करना है, क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। सपोज करो आपने रजिस्ट्रेशन किया 2020 में, वो ईयर क्लोज कब होता है, 31 मार्च 2021 को, तो वहां से लेकर एक साल यानी कि 31 मार्च 2022 तक पुराना जो एग्जिस्टिंग आपका स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। अब रिवर्स ग्रेजुएशन के केस में क्या रहेगा, यहां पर फाइनेंशियल ईयर की बात की है, यहां पर फाइनेंशियल या कैलेंडर ईयर की बात नहीं की है, लेकिन मैं यहां पे आपको जो एग्जांपल समझाया वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही था। अब रिवर्सल में देख लेते हैं, द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन इट्स प्रेजेंट कैटेगरी टिल द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सपोज करो 2020 में किसी का रिवर्स ग्रेजुएशन हो गया यानी कि मीडियम में से माइक्रो में चला गया, तो पुराना स्टेटस जो है वो 31 मार्च 2021 तक रहेगा, एंड इट विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ अ चेंज स्टेटस ओनली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच सच चेंज टूक प्लेस। यानी कि अगर 2020 में चेंज हुआ है तो उसका बेनिफिट 1 अप्रैल 2021 से उसे मिलेगा अगर रिवर्स हुआ है तो, और जबकि अपवर्ड में है तो उसका जो चेंज है वो एक साल के बाद यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पूरा एक साल बाद, तो ये लंबा पीरियड हो गया और ये छोटा पीरियड हो गया। अगला है फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ एंटरप्राइज। सपोज करो किसी को कोई क्वेरी है तो उसके लिए काफी सारे उन्होंने सिस्टम अप्लाई किए हैं किस तरह से कहां पे आपका ग्रीवेंस डालना है, तो एज ऑफ नाउ इसका डिस्कशन मुझे लगता नहीं है कि इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसे एक्सक्लूड कर रहा हूं, इसके लिए और भी रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।